खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के नथापुरवा से है, जहां आपको बता दें प्रत्येक बस की भांत इस बस भी रक्षाबंधन के उपलब्ध में मेले का आयोजन किया जाएगा। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव के नेतृत्व में मेले का आयोजन किया जाएगा। जब इस बारे में मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया तो आपको बता दें यहां पर मेले की तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ी। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रत्येक बस की भांत इस बस भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव करेंगे। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मेले में तमाम तरह के झूले व अन्य व्यवस्थाएं पहुंच चुकी हैं और लोग अपने व्यवस्थाओं को सुचारू करने में लगे हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव ने पहुँच कर मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मेला व्यवस्था में लगे झूले आदि कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें, जहां पर कल भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें इस दौरान लोगों ने अपील की है कि भारी संख्या में लोग पहुंचकर रक्षाबंधन के अवसर पर मेले का लुत्फ़ उठाएं। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नथापुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन होगा। क्या है कि लगभग 40-42 वर्षों से ग्राम सभा वासियों के द्वारा यहां पर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मेला लगवाया जाता था। 3 वर्ष कोरोना की वजह से मेला नहीं लगवाया था, लेकिन इस बार प्रयास किया गया है कि अच्छे से अच्छा और भव्य से भव्य मेला हो। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने परिवार अपने बच्चों के साथ आएँ और मेले का आनंद लें। ग्राम प्रधान धर्मा यादव कहाँ के रहने वाले हैं? नथापुरवा। प्रधान प्रतिनिधि हैं आप जी? यहाँ पर प्रत्येक बस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य मेले का आयोजन हुआ जाता था, इस बार क्या व्यवस्था है? इस बार मेला है, झूला है और काफी कुछ है, आला है, कुश्ती, इन लोगों का ऐसा आयोजन किया गया, दंगल वगैरह भी लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि आप आए, बच्चों के साथ आए, मेला देखें, मेले का आनंद लें। भंडारा है, भंडारा भी है। आप काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ कब से ये मेला आयोजन होता है? ये तो जो हमारे नथापुरवा प्रधान जो थे, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को चालू किया था जी। जब से जो जो भी प्रधान हो रहे हैं इसको कामयाब रखे हुए हैं और होता हर साल रक्षाबंधन के मेला, कुश्ती, दंगल और झूला अथा जो है क्या नाम आला प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, मंदिर की तरफ से सहयोग रहता है, गांव के तरफ से सहयोग रहता है अथा प्रधान के तरफ से ज़्यादा सहयोग रहता है। इस तरीके से दादा कितने लोग आ जाते हैं इस मेले में? अरे लगभग मान लीजिए 5,000-4,000 अथा ज्यादा से ज्यादा। इस बार बच्चों के लिए व्यवस्था काफी की गई है जी, झूले लगाए गए हैं जी जी, और बच्चों को खेलने कूदने का और हर तरीके से झूला, हर तरीके जो भी मनोरंजन चीज है बच्चों के लिए आता है। और ये तमाम से बिजनेसमैन, गरीब गुरबा जो ठेला पेला चाहे समोसा ये वो खिलौना सब तमाम तरीके से चीजें हमारे मेले में आते हैं। कल लगेगा मेला जी? 12 तारीख